हेलो फ्रेंड्स, मैं समर और आप देख रहे हैं समर कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है डाटा प्रोसेसिंग। तो आज का क्वेश्चन भी है, व्हाट इज डाटा प्रोसेसिंग। तो डाटा प्रोसेसिंग द प्रोसेस बाय व्हिच मीनिंगफुल रिजल्ट्स और इंफॉर्मेशंस आर ऑब्टेन फ्रॉम डाटा इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। यानी वो प्रक्रिया जिसके द्वारा डेटा से सार्थक परिणाम या जानकारी प्राप्त की जाती है उसको डाटा प्रोसेसिंग भी कहलाती है। दैट इज डाटा प्रोसेसिंग इज ए मेथड ऑफ एनालाइजिंग डाटा। यानी डेटा विश्लेषण की एक विधि है। तो ये था डेटा प्रोसेसिंग क्या है। उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स यानी डेटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता है। तो डाटा प्रोसेसिंग का पहला पॉइंट है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, यानी सार्थक जानकारी उपलब्ध है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, डिसीजंस कैन बी मेड विथ द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, द क्वालिटी ऑफ द डाटाबेस कैन बी इंक्रीज्ड, यानी डेटाबेस की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद चौथा पॉइंट, हेल्प्स टू क्रिएट वेरियस रिपोर्ट्स, यानी विभिन्न रिपोर्ट बनाने में मदद करती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, द ओनली स्ट्रेटजी टू गेट इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली एंड एक्यूरेटली इज डाटा प्रोसेसिंग। यानी जानकारी को बहुत जल्दी और सटीक रूप से प्राप्त करने की एकमात्र नीति है डेटा प्रोसेसिंग। तो ये थी डेटा प्रोसेसिंग की कुछ आवश्यकता है। उसके बाद आते हूँ टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, यानी डेटा प्रोसेसिंग का प्रकार। टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, देयर आर टू वाइज टू प्रोसेस डाटा। यानी डेटा को प्रोसेस करने में दो तरीके हैं, पहला मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग, द मेथड इज यूज्ड फॉर मी, विधि का उपयोग मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ए कैलकुलेटर और ए लॉग टेबल। मतलब यह कैलकुलेटर या लॉग टेबल की मदद से किया जाता है। उसके बाद एग्जांपल यानी मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग की उपयोग, टू डिटरमिन द एज ऑफ ए स्टूडेंट, एक छात्र की उम्र निर्धारित करने के लिए। फर्स्ट राइट द करंट डेट मंथ ईयर एंड देन राइट डेट ऑफ बर्थ मंथ ईयर अंडर इट। यानी वर्तमान तिथि माह वर्ष लिखे और उसके नीचे जन्म तिथि माह वर्ष एंड कैलकुलेट द एज बाय हैंड, और हाथ से उम्र की गणना करें। दस इफ द एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लास 11 हैड टू बी कैलकुलेट। इस प्रकार यदि 11वीं कक्षा की सभी छात्र की आयु की गणना की जाती है, इट वुड टेके लॉट ऑफ ए टाइम ऑन द वन हैंड।
इसमें बहुत समय लगेगा। देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक, और गलती की भी संभावना है। तो ये था मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इन दिस मेथड डाटा प्रोसेसिंग इज डन विथ द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, यानी इस विधि में कंप्यूटर की सहायता से डाटा प्रोसेसिंग की जाती है। दिस अलाउज फॉर फास्टर एंड मोर एक्यूरेट डाटा प्रोसेसिंग, मतलब यह तेज और अधिक सटीक डेटा प्रोसेसिंग की अनुमति देता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग की एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू डिटरमिन द एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 इन दिस मेथड, यदि आप इस विधि से 11 कक्षा की सभी विद्यार्थियों की आयु ज्ञात करने चाहते हैं, इट कैन बी डन इन ए फ्यू सेकेंड्स, यह कुछ ही सेकेंड में किया जा सकता है। इन हैंडरिटिन मेथड व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन एनी वे, मतलब मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग यानी हस्तलिखित विधि में जो किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं होती। तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। उसके बाद स्टेजेस ऑफ डाटा प्रोसेसिंग यानी डाटा प्रोसेसिंग की चरण। द डाटा प्रोसेसिंग मेथड इज मेनली डन इन 3 स्टेप्स, डेटा प्रोसेसिंग की विधि मुख्य रूप से 3 स्टेप में की जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डाटा प्रोसेसिंग साइकिल, यहाँ पर 3 स्टेप है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो स्टेप 1 पर है इनपुट, स्टेप 2 पर है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के अंदर है वैलिडेशन एंड क्लासिफिकेशन, सॉर्टिंग, कैलकुलेशन और समराइजेशन और स्टोरेज, और स्टेप 3 पर है आउटपुट। तो स्टेप 1 पर है डाटा इनपुट, दिस स्टेप इज टू कलेक्ट रॉ डाटा फ्रॉम द सोर्स एंड सेंड टू सीपीयू थ्रू डिफरेंट इनपुट डिवाइस, जैसे कि कीबोर्ड, माउस। तो डाटा इनपुट का काम होता है यह कदम स्रोत से कच्चा डेटा को एकत्रित करना और इनपुट डिवाइस के माध्यम से सीपीयू का भेजना। उसके बाद स्टेप 2 यानी प्रोसेसिंग, द प्रोसीड्यूर ऑफ दिस स्टेज इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द फॉलोइंग सब स्टेजेस, यानी इस चरण की प्रक्रिया निम्नलिखित उपचरण के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। तो प्रोसेसिंग का पहला पॉइंट है वैलिडेशन एंड क्लासिफिकेशन, सत्यापन और वर्गीकरण। दिस वेरीफाइज व्हेदर देयर इज एनी एरर इन द डाटा, यानी यह सत्यापित करता है कि डेटा में कहीं त्रुटि है या नहीं। द सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज देन प्लेस्ड इन सेपरेट कैटेगरीज, फिर उसी प्रकार की जानकारी को अलग अलग श्रेणियों में। उसके बाद सॉर्टिंग, इट सॉर्ट्स द डेटा फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज असेंडिंग और फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल डिसेंडिंग।
यहाँ पर डेटा को छोटा से बड़ा असेंडिंग और बड़ा से छोटा डिसेंडिंग करता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट कैलकुलेशन। इफ़ देयर आर एनी कैलकुलेशंस इन द डाटा आफ्टर सॉर्टिंग दे आर सॉल्व्ड बाय कैलकुलेशन। यदि सॉर्टिंग के बाद डेटा में कहीं गणना होती है तो इस गणना को सॉल्व किया जाती है। उसके बाद समराइजेशन। इन दिस मेथड इंफॉर्मेशन कैन बी समराइज्ड यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स और ग्राफ्स। इस पद्धति में विभिन्न प्रकार के चार्ट या ग्राफ को उपयोग करके जानकारी को सारांशित किया जा सकता है। उसके बाद लास्ट ऑफ पॉइंट स्टोरेज। वंस द डाटा इज प्रॉपरली एंड एक्यूरेटली एनालाइज्ड एंड यूजेबल, यानी एक बार डेटा ठीक से और सटीक रूप से विश्लेषण और प्रयोग करने में योग्य, इट इज स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी। तो इस डाटा को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और सीडी। तो ये था प्रोसेसिंग का कुछ पॉइंट्स। उसके बाद स्टेप थ्री आउटपुट। एट दिस स्टेज द डाटा इज एनालाइज्ड एंड कलेक्टेड व्हेन इट्स बिकम्स यूजेबल। इस स्तर पर डेटा को विश्लेषण किया जाता है और जब इस प्रयोग करने की योग्य जाता है तो एकत्र किया जाता है। इन मोस्ट केसेस द आउटपुट्स कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी और स्टोर्ड ऑन ए हार्ड डिस्क। ज़्यादातर मामले में आउटपुट के हार्ड कॉपी के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। हार्ड कॉपी यानी टेक्स्ट और पिक्चर प्रिंटेड और पेपर। इफ नेसेसरी द रिजल्ट्स और इंफॉर्मेशन मे बी ईमेल्ड टू अदर्स वाया द इंटरनेट और मे बी पब्लिश्ड ऑन ए वेबसाइट। यदि आवश्यक हो तो सूचना का परिणाम इंटरनेट के माध्यम से दूसरों को ईमेल किया जा सकता है या किसी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा सकता है। सो द मेन टास्क ऑफ डाटा प्रोसेसिंग साइकिल इज प्रोवाइड मीनिंगफुल रिजल्ट्स बाय एनालाइजिंग द इनपुट डाटा। तो डेटा प्रोसेसिंग चक्र पर मुख्य वार्ता इनपुट डेटा को विश्लेषण करके मुख्यपूर्ण परिणाम प्रदान करती है। तो ये था डेटा प्रोसेसिंग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।